भारत देश में कई महापुरुष हुए हैं जिनके विचारों और उनकी जीवन शैली से व्यक्ति बहुत ही कुछ ग्रहण कर सकता है और बहुत कुछ सीख सकता है। इन्हीं में से एक स्वामी विवेकानंद भी हैं। रविवार 12 जनवरी यानी आज स्वामी विवेकानंद जयंती है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में आज ही की तारीख को कोलकाता में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था जो कि उस समय कलकत्ता हाईकोर्ट के एक वकील थे, और उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था जो कि बहुत ही धार्मिक विचारों की महिलाएं थी। जब वे 25 साल के हुए तब उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया और संन्यास धारण कर लिया था। वे पूरे विश्व में एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु थे। उनके विचार हमेशा ही युवाओं को जागरूक करने वाले होते थे जिनको अपनाकर कोई अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुए विश्व धार्मिक सम्मेलन में भारत और हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किया था जिसमें विवेकानंद जी ने भाषण दिया था। भाषण के बाद तो पूरी दुनिया उनकी ओर आकर्षित हुई। इस भाषण के बाद उन्हें काफी ख्याति मिली थी। उनके इस भाषण के प्रभाव से ही कई अंग्रेज लोग भारत की संस्कृति से प्रभावित हुए और आध्यात्मिक सुख के लिए भारत भी आए। स्वामी जी को युवाओं से बड़ी उम्मीदें थी। उन्होंने युवाओं के अहंकार की भावना को खत्म करने के उद्देश्य से कहा है, यदि तुम स्वयं ही नेता के रूप में खड़े हो जाओ तो तुम्हें सहायता देने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। यदि सफल होना चाहते हो तो पहले अहंकार का ही नाश कर डालो। आज भी स्वामी विवेकानंद को उनके विचारों और आदर्शों के कारण जाना जाता है। आज भी वे सभी के लिए प्रेरणादायक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BHBC। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।